थ्री डिफरेंट क्वाइन आर टॉस्ड, तीन डिफरेंट क्वाइन को टॉस किया गया है, क्या बात है। अगर ना टॉस करते तो क्या होता, क्या हो जाता, नहीं टॉस करते तो, ये करना है टॉस, ठीक है समझ में। अब यहाँ पे क्या करो, पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है तीन क्वाइन का, पहले दो क्वाइन का लिख लो, पहले दो क्वाइन का लिख लो, हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल, दो का लिख दिया, दो का लिख लिया। फिर से कॉपी करो, कॉपी करने में आप बहुत तेज हैं, हेड टेल टेल हेड टेल टेल लिख लिया। शुरुआत के चार को हेड दे दीजिए, शुरुआत के चार को आप हेड दे दीजिए, और लास्ट के चार को टेल दे दीजिए, काम खत्म। लास्ट के चार को टेल दे दीजिए, खेल खत्म हो गया। अब कर लो क्वेश्चन, अब कर लो क्वेश्चन, क्या बोला इस क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें ए पार्ट में बताना है किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एग्जैक्टली टू हेड, दो हेड कहाँ कहाँ है, एग्जैक्टली, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं। तो दो हेड एक यहाँ पे दिख रहा है, दो हेड एक दो, और एक यहाँ पे दिख रहा है दो हेड, तो क्या इसका आंसर 3/4 8 हो जाएगा, क्या पहले वाले पार्ट का आंसर 3/8 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे आंसर हमें 3/8 मिल गया है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन में लिखा है एटलीस्ट टू हेड, क्या लिखा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा है एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड कहाँ है, कम से कम, तो कम से कम देखो दो हेड का मतलब होता है, देखो एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट टू हेड का क्या मतलब होता है समझना, कम से कम दो, तो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई एटलीस्ट लिखा है ना, कम से कम दो, दो वाला तो लगेगा, तीन वाला भी हो जाएगा, तो दो वाले केस कितने थे, एक दो तीन, और तीन वाला एक एक केस है, तो क्या 4/8 हो जाएगा, क्या यहाँ पे आंसर 4/8 से क्या आंसर यहाँ पे 1/2 आएगा, जरा बताओ समझ रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा, देखो समझो बात को, एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो, दो वाला तो रहेगा, तीन वाला भी ले लेंगे, तो तीन वाला ये भी है, तो एक केस और एक्स्ट्रा हो गया, तो चार हो गए यहाँ पे। सी पार्ट में देखें तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट टू टेल की। एक ट्रिक बताऊं, अगर तुमने एटलीस्ट टू हेड का निकाल लिया है तो एटलीस्ट टू टेल का भी सेम आंसर होगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। एटलीस्ट टू टेल का मतलब क्या है, दो टेल हो या फिर तीन टेल हो, तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तीन टेल वाला ये हो गया, दो टेल वाला ये हो गया, दो टेल वाला ये हो गया, और कहीं है क्या, अच्छा तीन टेल वाला तो ले ली, अच्छा दो टेल वाला ये भी है, तो कितने आउटकम होंगे, देखो यहाँ पे भी 4/8 आएगा, यानी यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा, आया समझ में, आ रही बात समझ में, पक्का।